पोस्टीरियर साइड के डर्मेटोम्स कैसे ड्रॉ होंगे लोअर लिम के, उसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेग ड्रॉ करूँगी। लेग ड्रॉ करने के लिए सेम पहले लेंथ के लिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये दो पॉइंट्स को मैंने इस हिसाब से मैंने लेंथ ड्रॉ करनी है। लेंथ के लिए इसके लिए हमने सबसे पहले ड्रॉ करने का लेग ड्रॉ करने का तरीका होता है कि पहले आप फुट ड्रॉ करें, फुट ऐसे आ जाएगा, ये आपका फुट आ गया। यहाँ से आप सेम उसी तरह एक छोटा बल्ज, एक और बल्ज, एक बड़ा बल्ज, एक ये साइड आ गई, देन यहाँ पर से भी लेके जाएंगे एक छोटा बड़ा बल्ज, फिर छोटा बल्ज और फिर ये हमारी आ गई बैक साइड। ठीक है, ये बिग टो की साइड है और ये स्मॉल टो है। नाउ आप देखते हैं इसके डर्मेटोम्स कैसे ड्रॉ होंगे। इसमें थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, दो स्नेक्स होते हैं। क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हम स्नेक ड्रॉ करेंगे, पहला स्नेक, इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करना है। यहाँ पर वो आएगा स्नेक लाइक दिस एंड इट एंड्स हियर। ठीक है, ये हमारा पहला स्नेक हो गया। अब हमने इस स्नेक के पीछे पांच लॉबस्टर्स लगे हुए हैं। इसी तरह की स्टोरी हम बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा याद रहेगा। एक मेन स्नेक बना दिया, पांच लॉबस्टर्स, एक दो तीन चार पांच, लाइक दिस। ठीक है, नाउ एक और स्नेक भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ये एक पूरा समझ लेते हैं कि एक लैंड है। लैंड एरिया में एक स्नेक एक साइड पे बैठा हुआ है, दूसरा स्नेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस, ये दूसरा स्नेक थोड़े कोने में बैठा हुआ है। इसके पीछे भी हमने बनाने हैं चार अदद लॉबस्टर्स। वो कैसे, एक दो तीन एंड चार, एक यहाँ पर होता है छोटू सा, पांच। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। अब एक डिफरेंट कलर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये स्नेक्स किसको खाने के लिए आ रहे हैं और लॉबस्टर्स उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ज़ाहिर लॉबस्टर्स छोटे होते हैं तो वो पीछे आएंगे। सेंटर में एक पड़ी हुई है यॉट, यॉट इज़ फ्रॉम वाई, तो हमने सेंटर में बनाना है वाई, ये ऐसे वाई की इन्वर्टेड वाई बनाना है, सॉरी सीधा वाई तो ऐसे होता है ना, हमने इन्वर्टेड वाई बनाना है। ये वाई की दो स्टेम्स एंड दिस इज द डोम ऑफ, आई मीन स्टेम ऑफ वाई, ये हमने बना दिया वाई शेप स्ट्रक्चर। ये वाई शेप्ड यॉट सेंटर में पड़ी हुई है, एक स्नेक उसके राइट पे, एक स्नेक उसके लेफ्ट पे है, उनके पीछे पीछे पांच पांच लॉबस्टर्स हैं और ये सारे आ रहे हैं यॉट को खाने के लिए। ये हमारी बन गई सारी की सारी पोस्टीरियर साइड की स्ट्रक्चर, जिसको मैंने स्नेक कहा है। वहाँ पर हम देंगे नंबरिंग S1 एंड S2 लाइक दिस। जिनको मैंने लॉबस्टर्स कहा है वहाँ पर हम नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ L एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ L। लॉबस्टर्स L से, L फॉर नंबर सेगमेंट्स एंड S फॉर स्नेक एंड S फॉर दिस सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी डर्माटोम्स जो है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ लोअर लिम की कंप्लीट होगी। एक दफ़ा वीडियो देखनी है, दूसरी दफ़ा मेरे साथ साथ बनाना है जैसे मैंने बनाया है। आई होप सो इससे इजी तरीका नहीं होगा कुछ समझाने का। नेक्स्ट वीडियो में ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स बताती हूँ।